सिवाय ईश्वर के, सिवाय राम की और कुछ नहीं, मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। हिरण्यकश्यप ने कहा, दुष्ट मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रह्लाद ने कहा, मेरा भगवान सर्वत्र हर व्यापक सर्वत्र समाना, मेरा परमात्मा तो कण कण में, तो क्या तेरा परमात्मा इस महल में भी है। प्रह्लाद ने कहा, हाँ, मोह में तो में खरग खम्भ में पूर रहा जगमाए, मेरा परमात्मा मुझ में है, तुम में भी है, इस खरग में भी है, खम्भ में भी है। अच्छा, खम्भ में भी है, हाँ, खम्भे को गर्म करवा दिया और कहा, अगर तेरा भगवान इस खम्भे में है तो जाओ मिलो अपने भगवान से। प्रह्लाद ने भगवान का स्मरण करके खम्भे को अपने सीने से लगाया, अंक में लिया, खम्भा शीतल हो गया। उसी खम्भे से बांध करके हिरण्यकश्यप ने कहा, दुष्ट अब बुलाए तू अपने विष्णु को, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सतम विधातम न्यय भ्रत्य भाषितम व्यापितम च भूतेषु अखिलेषु चात्मानः। जैसे हिरण्यकश्यप ने खड़ग उठा करके मारने को हुआ, जैसे ही उस खम्मा में से खम्मा फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं, बोले नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप ने देखा खम्मा फटा, बहुत आवाज हुई, पहला एक साइड को गिरा, हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रह्लाद ये तेरा भगवान है, ना तो मनुष्य है ना पशु है, ये जानवर, ये तेरा भगवान है, अगर ये तेरा भगवान है तो मैं अभी इसको मार दिया। जैसे गदा लेकर के हिरण्यकश्यप आया, मारने लगा, भगवान ने उसके हाथ को पकड़ करके उठा करके पटक दिया, दोनों में युद्ध हुआ, भगवान ने उसे उठा उठा करके खम्भों से दी मारा, जमीन पर पटक दिया और उसको पकड़ करके दरवाजे की दहली में ला करके अपनी गोद में रख दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मैं नहीं मर सकता। भगवान ने कहा, दुष्ट तू क्यों नहीं मर सकता, क्या तूने मां के जन्म नहीं लिया। अगर संसार में जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ेगा, संसार में ऐसा कोई नहीं है, कहा गया है, यग जग जीव नाग नर देवा, yeah।
श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा अब आगे जो भगवान का अवतार एक हरि नाम का अवतार हुआ महाराज परिचित ने कहा प्रभु हरि अवतार कैसे हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन मेधा ऋषि की पत्नी हिरणी के गर्भ से हरि अवतार हुआ और वो गजेंद्र की रक्षा के लिए उन्होंने अवतार लिया। महाराज परीक्षित ने कहा प्रभु गजेंद्र कौन था, क्या कारण था और कैसे उन्होंने अवतार लिया, ये सब मुझे बताने की कृपा करें महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, बहुत बड़ा विशाल है, उस पर एक सरोवर है, बहुत बड़ा रमणीक सरोवर है, उस पर्वत पर सभी प्रकार की सुविधाएं, सब प्रकार के लता पता वृक्ष फल फूल सभी तरह के, वहां देवता भी आकर के विहार करते हैं। सुंदर रमणीक त्रिकूट पर्वत है, उस पर एक सरोवर है, उस सरोवर में एक गिरहा रहता है, कहा गया है ये त्रिकूट पर्वत तीन गुणों का बना हुआ ये संसार ही एक पर्वत है। संसार भी एक पर्वत है, संसार एक सरोवर है, तीन गुणों के पर्वत पर ये संसार रूपी एक सागर है, सरोवर है, इसमें काल रूपी ग्रह रहता है, जो जन्मता है काल उसी का पैर पकड़ लेता है। इस संसार सागर में जो आता है काल रूपी मगर उसी का पैर पकड़ लेता है और उस सरोवर में
ततो गजेन्द्रस्य मनोबलो जसाम कालेन दीर्घेण महान बोहेर्यः विक्रस्यमाणस्य जले अवशीदतोः विपर्ययो अभूत् संकलं जलोकसः गजेंद्र अपने परिवार को लेकर के उस सरोवर में विहार करने के लिए आता है, अपने पूरे परिवार को लेकर के उस सरोवर में जब जैसे विहार करता है, जलपान करता है, स्नान करता है, उसी समय ग्रहा उस गज का पैर पकड़ लेता है। एक हाथी है और हाथी मन को कहते हैं मन मतंग, मन ही मतंग, मतंग माने हाथी होता है। अपने परिवार के दलबल के साथ में संसार में विहार करता है और जैसे ही कोई भी जीव आया तो काल तो उसका पैर पकड़ता ही है। हाल ही जैसे ही जन्मा सेकंड मिनट चालू हो जाती है कि ये इतने समय का हो गया, 5 मिनट का हो गया, 10 मिनट का हो गया, आधे घंटे का हो गया, काल माने समय आले चालू। जब जैसे ही उस सरोवर में अपने परिवार के साथ गया, गजेंद्र को ग्रहा ने पकड़ लिया। गजेंद्र विचार करने लगा, ये छोटा सा मगरमच्छ मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा इतनी बड़ी समाज है, मेरी इतनी बड़ी समाज है, फिर मेरा इतना बड़ा परिवार है और फिर मैं भी तो कितना शक्तिशाली बलवान हूं, क्या करेगा। मगर हाथी को खींच ले जाता है अंदर को, फिर हाथी मगर को खींच लाता है बाहर को। उनकी लड़ाई चालू हुई। मनुष्य का जन्म हुआ संसार में, जैसे ही जन्मा बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, डॉक्टरों ने इलाज किया, मशीनरी में रख दिया, बच्चे को मशीन में रख दिया, समझ लो कि मगर कैसे ले गया इसे सरोवर में। डॉक्टर ने इलाज किया, घर वालों ने पैसा खर्च किया, बच्चा ठीक हो गया, समझ लो कि हाथी मगर कैसे लाओ अब किनारे पे। फिर कछु समय के बाद में फिर तकलीफ है, फिर खींच ले जाओ, फिर वो इलाज करा को ठीक है जाओ। ऐसे ही ऐसे गज और ग्रहा का 100 वर्ष युद्ध चला, 100 वर्ष युद्ध चला। मनुष्य भी 100 वर्ष लड़ता है, समस्या से लड़ता है, परेशानियों से लड़ता है। मैं हूं ये गजन ने मेरा क्या बिगाड़ेगा। गजेंद्र ने सोचा कि
ये ग्रहा मुझे ले गया, अब मैं कमजोर हो गया। भगवान से प्रार्थना करने लगा, नमो भगवते तस्मे यतः यतः चिदात्मकम् परेशाया विधिमहि। हे गोविंद, अब मुझ में कोई बल नहीं रहा, मैं तेरी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। नमः विद्यते यस्य च जन्म करम नाम रूपे गुण दोषैव वा तथापि लोकापिया संभवाय समायाय तान कुलामौषते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत सत्ये अरूपाय रूपाय नमः आचार्य कर्मणे नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मणे निर्विशेषाय सौम्याय नमो ज्ञान घनाय। परमात्मा से स्तुति करने लगा प्रभु, यानी लगा हो कब लेने खबर मेरी राम, हो कब लेंगे खबर मेरी राम, हो बड़ी देर भाई बड़ी देर भाई Yeah.
मेरा कोई नहीं है, ये संसार तो मतलब का साथी है, सब छोड़ करके चले गए। ये अपने धर्म कर्म का भी पालन नहीं करते, इन्हें तो केवल दाम मीठा लगता है और काम अच्छा लगता है। अब संसार में मेरा कोई नहीं, प्रभु आ जाओ। थोड़ी सी उनकी सूंड जल के ऊपर रही, उन्होंने सरोवर में से कमल लेकर के अर्पण किया, प्रभु और मेरे पास कुछ नहीं, और मेरी रक्षा करो प्रभु। भगवान श्याम सुंदर गरुड़ पर बैठ करके आते हैं और चक्र वहीं से छोड़ दिया, आने में देर होगी। ग्रह का मस्तक काट दिया, गजेंद्र को बचाया भगवान आए। हाथी निकल करके बाहर आ रहा है, प्रभु से मुख मोड़ करके बैठ गया। भगवान ने कहा, गजेंद्र क्या बात है, अब मैं आ गया, मैंने तो रक्षा भी कर दी, आप फिर भी नाराज। हाथी रोने लगा, प्रभु देर करती, अगर थोड़ी देर और नहीं आते तो मैं बचता ही। भगवान ने कहा, गजेंद्र तूने मुझे बुलाया ही कहां था, तूने जैसे ही मुझे बुलाया और मैं तत्काल चला आया, मैंने देर नहीं करी, देरी मेरे आने में नहीं, देरी तुम्हारे बुलाने में थी, तूने मुझे बुलाया ही कहां था, तुमने तो पहले ये अभिमान था कि मेरा समाज बहुत बड़ा है, मेरा घर परिवार बहुत बड़ा है और मुझमें भी बल है, अब तुम्हारा समाज तुम्हारा परिवार और तुम्हारा बल कहां चला गया, तुमने अंत में आकर के मुझे बुलाया, सब छोड़ करके मुझे बुलाया, तुम्हें तत्काल आ गया। गजेंद्र का मोक्ष, भगवान की स्तुति करी, विमान में बैठ करके गजेंद्र अपने धाम को जा रहे थे। उनसे आगे ग्रह का विमान जा रहा था। गजेंद्र ने कहा, प्रभु मेरे शत्रु का विमान मुझसे आ गए। भगवान ने कहा, गजेंद्र जो मेरे भक्तों के पैरों में 100 वर्ष डला हो, मेरे भक्तों का भी भक्त हो, वो मुझे को प्यारा कैसे हो सकता है, वो भी मेरा भक्त है। महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु ये दोनों ने पशु होकर के ऐसा कोई संयोग था, हाथी के रूप में भगवान की स्तुति करी, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले संत भगवान की ये हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा ये श्राप बस गज की योनि में आए थे, इंद्रद्युम्न नाम का ही राजा था, ये तपस्या कर रहा था, गुरु महाराज आए इनको पता नहीं लगा, ये बैठे ही रहे, ना तो उनको सम्मान दिया ना प्रणाम किया, गुरु ने उसे श्राप दे दिया, जा मेरे आने पर तू
खड़ा नहीं हुआ, मेरा आदर सत्कार नहीं किया, एक हाथी भी नहीं बैठा रह गया, जा हाथी हो जा। जब मालूम हुआ तो राजा ने स्तुति करी, महाराज मेरी गलती नहीं, फिर भी मैं मानता हूं कि मेरी भूल है, क्षमा करें। गुरु ने कहा जा त्रिकूट पर्वत पर सरोवर में, ग्रहा तेरा पैर पकड़ेगा तब तेरा उद्धार होगा। श्री महाराज परिचित कहते हैं प्रभु गजेंद्र तो पहले राजा था, क्या ग्रहा भी कोई था? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा ओहू नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि तपस्या कर रहे थे, गंधर्व अप्सरा को साथ में लेकर के विहार करने के लिए आया, वहां देवल ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सोचा न जाने जी महात्मा आए कब तक चिगे या न चिगे, इसलिए जल में भीतर प्रवेश करके मैं मगर बन करके इनको डरा दूं तो जल्दी भाग जाएंगे। मगर बन करके जाकर के उनका पैर पकड़ लिया, देवल ऋषि ने देखा जीव जंतु तो कोई आ नहीं सकता, ये मेरा पैर किसने पकड़ा है? देखा कि हूहू नाम का गंधर्व है, देवल ऋषि ने श्राप दे दिया, तूने मगर बनकर के मेरा आसन भंग किया, मेरी पूजा भंग करी, जा मैं तुझे श्राप। गंधर्व ने स्तुति करी, गुरुदेव क्षमा करो मेरा ये उद्देश्य नहीं था। देवल ऋषि ने कहा जाओ इस सरोवर में, जब गजेंद्र आएगा तुम उसका पैर पकड़ोगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। दोनों को यह श्रापित जीवन था और दोनों का भगवान ने उद्धार किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा अब आगे जो अवतार है उन्हें तुम्हें सुनाते हैं। पत्नी विकुंठा सुब्रस्य वैकुंठेश्वर सप्तमीह, शुभ्रु की जो विकुंठा नाम की पत्नी थी उनके गर्भ से वैकुंठ नाथ स्वयं भगवान ने अवतार लिया। महाराज परीक्षित ने कहा तो कैसे महाराज? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन इता दुर्वासा सह सापात सेन्द्र लोकास्त्रियो नृपन श्री काशा भवंतस्त्र नेसुरे जातया क्रिया। एक बार दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि मेरे अपने प्रभु के अपने परमात्मा के दर्शन नहीं किए बहुत दिनों से, अपने गोविंद के दर्शन नहीं किए और सिवाय गोविंद के मेरे जीवन में है ही क्या। दुर्वासा ऋषि भगवान का गुणगान करते हुए वैकुंठ को जाते हैं, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम Oh,
भगवान का गुणगान करते करते वैकुंठ जाते। जैसे पुत्र अपने माता पिताओं के पास जाता है बड़े प्रेम से, दुर्वासा ऋषि को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए, आसन पर बैठाया, बहुत खुशी हुई। अपनों से मिलकर के बहुत सुख होता है, बहुत खुशी होती है। जिसको अपन चाहते हैं उनसे मिलने पर बहुत आनंद आता है। और संसार में वैसे तो यह है कि जिसको अपन चाहते हैं ना, जिससे प्रेम करते हैं ना, बस वही अपने लिए सर्वोपरि है और कुछ नहीं चाहिए। भगवान और भक्त के बीच में बड़ा आनंद का माहौल होता है मेले। और भगवान ने कहा, हे ऋषि, आप बहुत दिनों में आए, जल्दी आया करो। लक्ष्मी ने कहा, आप जल्दी आया करें, अपने संतान की, अपने पुत्रों की याद आती है। अगर कोई अपना पुत्र है, अपना मित्र है, संसार में अगर कोई बाहर है, अगर पुत्र नौकरी पर जाता है, नौकरी से धंधे से आता है, तो वो घर के लिए फोन करता है, पिता के लिए फोन करता है, पिताजी मैं आ रहा हूं, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? पिता कहेगा, हाँ बेटा, बोला कुछ होता ले। भाई को फोन करता है, कुछ लाऊं? वो बताएगा, मेरे लिए फलानी चीज लेके आई। बहन को फोन करेगा, बहन भी कहेगी, भैया तू जल्दी आया, कछु लाओ, लावे ले आइयो, नहीं लावे तो नहीं, कैसी बात पर आया। पत्नी को फोन करेगा, तेरे लिए कुछ लाओ, तो पूरी लिस्ट बना करके, मेरे लिए ये चीज लाना, ये साड़ी लाना, ये फलान लाना, ये दीख लाना, ये लाना बोला। माँ को फोन करेगा, माँ तेरे लिए कुछ लाऊं? माँ कहेगी, बेटा कोई कछु की जरूरत ना, बस मेरे लिए तो तू ही आया, मुझे तो बस तेरी जरूरत है और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मेरे लिए तो बस तू ही आया। तो अपन जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं ना, बस हमें वो ही चाहिए, बाकी अलावा और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बहुत प्रसन्न हो गए।
भगवान से मिलकर के भक्त प्रसन्न होता है। भगवान विष्णु ने अपने गले से माला उतार करके और दुर्वासा ऋषि को दी, कहा लो ये मेरी माला है तुम पे। अपने कोई भी चीज लेकर के दे दे, अपने को दे देते। माँ अगर बेटी को विदाई में एक रुपया दे, बेटी करोड़पति हो वो ये नहीं सोचे कि मेरे में तो करोड़पति हो इस एक रुपये का मैं क्या करूं। उस एक रुपये में माँ की आशीर्वाद है, उसे आशीर्वाद लेकर के स्वीकार। कोई किसी को कुछ देता है वो धन नहीं, उसमें उसका आशीर्वाद है, वो मन से दे रहा है, उसका आशीर्वाद है उसके रूप में, चाहे तो पैसा हो। भगवान ने अपनी माला दी, माला के स्वरूप में प्रसाद है। दुर्वासा ने उस प्रसाद को स्वीकार किया और बड़े प्रसन्न से झूमते हुए उधर से भगवान का गुणगान करते हुए चले आए। नारायण नारायण शिव नारायण मिलते हैं दुर्वासा को। दुर्वासा ऋषि ने सोचा ये भगवान की प्रसादी है, जिसको किसी को ऐसे को दिया जाए ताकि वो संसार का सबका भला कर सके, उसका भला होगा तो वो संसार का भला करेगा। ये देवताओं का राजा इंद्र है, अगर इसका भला होगा तो ये सबका भला करेगा। दुर्वासा ने वो माला इंद्र ले, मैं तुझे ये प्रसाद दे रहा हूं, ये मेरे प्रभु की प्रसाद है, कृपा है। इंद्र बोला है पूलन की माला ये, मैं स्वर्ग का देवताओं का राजा, बड़े बड़े कीमती हीरा मोती जवाहरात सब चीज की मेरे काई की कभी धन की काई की अच्छे अच्छे आभूषण है, और ये माला, उस माला को लेकर के उसने हाथी के सिर पर डाल दिया। हाथी ने वो माला सूंड से लेकर के और पैर के नीचे रख करके कुचल दिया। कोई तुम्हें कुछ दे और भाई लेकर के तुम तोड़ फोड़ भाई फेंक दे, आलाई देने वाले के दिल पर क्या बीतेगी। दुर्वासा को क्रोध आया, दुष्ट तूने मेरे प्रभु की प्रसादी को ठुकराया, मेरे परमात्मा का अनादर किया और मेरा भी अनादर किया, जा तू थर के मन में चूर हो रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा जो श्री हीन हो जाएगा, तेरा सब धन नष्ट हो जाएगा। उसी दिन से लक्ष्मी स्वर्ग छोड़कर के समुद्र में समा, संसार का जो धन, अब लक्ष्मी गई तो फिर संसार में धन का रखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देवता कंगाल हो गए और जब जैसे ही राजा बलि को पता लगा कि देवताओं को श्री होने का श्राप लगा है, राजा बलि ने आक्रमण कर दिया, देवताओं को राज्य से भगा दिया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। अब तो सब देवता मारे मारे, दैत्यों का साम्राज्य हो गया स्वर्ग में, देवता सब मिलकर के भगवान की शरण में आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु
स्वर्ग पर तो दैत्यों का अधिकार हो गया, अब हम क्या करें। भगवान ने कहा देवताओं तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, तुम काम ही ऐसा करते हो, तुम देवता होकर के तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान नहीं कि किसी का उपहास क्यों उड़ाया जाए, किसी के दिल को क्यों दुखाया जाए, तुम किसी की कृपा के पात्र ही नहीं, बार बार गलती करते हो और फिर आ जाते हो। फिर देवता ने कहा प्रभु गलती हो गई, गलती हो गई तो भुगतो, गलती का परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना। देवता ने कहा भगवान भुगतेंगे, परंतु अब तो कुछ उपाय बता दो। भगवान ने कहा जाओ उनसे राजीनामा कर लो। देवता ने कहा महाराज अब लड़ाई भैया बनते राजीनामा अब कैसे हो, तो सदा की लड़ाई है। भगवान ने कहा मैं एक किस्सा सुनाओ तुम्हें, किस्सा आर्यो पहे संधेय सते कार्यर्थ गौरवे अहे मोसक वद्देवा आर्तस्य पदवी गते। भगवान कहने लगे देवताओं एक आदमी था, उसके घर में काठ का बक्सा था, तो उसमें से सामान निकाल करके और खुला छोड़ करके चला गया। जैसे ही खुला छोड़ा वैसे चूहा उसमें घुस गया और चूहा घुस गया उसके पीछे ही वो नागराज आ गए। तो चूहे की गंध पाकर के कैसे में चूहा है नाग भी वही में चला गया। पीछे उस व्यक्ति को ध्यान आया कि मैं उसको बक्से को तो खुला ही छोड़ा आया, वो आया उसने बक्सा बंद कर दिया। अब नागराज ने सोचा कि मैं इस चूहे को खाऊं तो क्या फायदा, मैं भी मरूंगा, इसमें खा ले तो मरिया को मैं तो जहां बंद है हूं बक्सा में। ये चूहा है ना जी मेरे काम का है, इससे मित्रता करके कछु सर्प बड़ा है फिर भी छोटे से मित्रता करता है, चूहा की ओर जाता है, चूहा एक साठ को समर्थता जाता है। सर्प ने कहा अरे भाई आप काय को डरते हो, क्यों? चूहा ने कहा क्यों भैया डरे काय नहीं, तुम्हें पता ना कहीं नहीं। अरे एक दिन हमने में मीटिंग जुड़ी, मीटिंग हाँ कैसी मीटिंग, हमने में मीटिंग जुड़ी और कहा देखो भाई चूहा हमारे लिए बिल खोदते हैं है? और हम गावन में जाते हैं घरने में जाते हैं और घर में अगर घर वालों को मनुष्यों को पता लगता है तो ले ले लठिया और मारवे के कहा आते हैं और हम भी बिलेने में घुस गए अपने प्राण बचावते हैं, अगर वे बिले नहीं हो तो हम मारे जाएं कि नहीं मारे जाएं। चूहा ने कही अच्छा जी तो बात सही कही है, हाँ हम बिले नहीं बनावे नहीं तो तुम्हें तो कोई ढूंढ ढूंढ के मारा रहे हो, अच्छा तो कोई बात नहीं है। चूहा ने कहा तुमने अभी मेरा कमाल देखा ही कहां है, तुमने मेरा कमाल देखा ही कहां है, कछु बेचे आदमी होता है ना बुद्धिमान चालाक वे कम बुद्धि वालों को क्या करते हैं वे बढ़ाई देते हैं, अरे यार तू तो बहुत बड़ा अच्छा आदमी है हा? केवल जैसो काम तो को ना कर सकते ही हा? और वो फूल क्या बिटोरा है यार, और अरे महाराज
अवकी देखी हो तो हाँ फिर वो बिना के बैसी काम में लगो रहते बिगड़ पैसे को लगो रहते भी बापो बढ़ाई करके नाई और बाप हौसला बढ़ाए के नाई और भी अपने रिश्ते मालिक कराते हैं बाकी मोड़ी पे बढ़ाई कर दू तो बढ़िया आदमी यार त्यो ज्यो त्यो महात्मा बुहारे जे वो कई के कहने काम के कहने और काम नहीं हुए ना तो तुमने मेरे को फिके में नहीं दिए गो हाँ मतवाला के गाने में बड़े बड़े तुम्हारे हैं आवत है मतवाल ना हो ना तभी तो बिन के अंदर कहा है ताए तो तुम नहीं जाने की बे ही जानते हाँ ये ज्यादा बुद्धि भाई बनते बड़े तेवे तुम्हारे पागल बनाएगा तुम्हारा हौसला बढ़ाएगा तुम्हारी बढ़ाई करके ना तुम्हारे भी कामे करवावत है तुमने सोचा था अरे यार देखो तो मैं कैसी प्रशंसा कर रहा हूं क्यों कर तुम हाथा ही कम बुद्धि के तुम्हारी खून का बढ़ाई करते ना पर बुई तुम्हारा सक मई हो ना बाप और भगवान बुई है फिर तई भी तुम सदा गुलामी ही करते रहोगे फिर फिर तुम गुलामी बाकी सहज स्वीकार कर लोगे चुहा ने कही तुम ऐसी का बात करते मेरे रहते भाई अभी देखो कमाल करके बताता चुहा लग गयो बक्सा में काटवे को और जैसे काट के बनो सूला को बनाओ जो कोई ने करो सांप ने करो जैसे ही थोड़ा अड़ गयो जो कोई अब न करो भाई बड़ा करो चुहा फिर लग गयो बने बड़ो करो हमारे कि निकलो अब देखो सांप सर निकल गयो हाँ अब रही बात मैंने कहा ना मेरे रहते रहते तुम पर कोई यहाँ चाहे मैंने बक्सा को अपने दांतों से काट के रास्ता बना दो हाँ अब हमारे को लगा तू है सरपराज ने नोगी को ना लगा तू अब तो निकल गया हाँ और जैसे ही चुहा निकलो और सरपर पट मो पकड़ लो बाको काम नहीं करेगो ना बाको मोह पकड़ लो चुहा ने कही के खाए भैया आवाज का कर तो कही खाए तो वह तो कह रहे कि पंचायत जूरी के हवा चुहा हमा को बिलो बनाते हैं हम बिन क्यों खाए कही पंचायत जूरी तो हाथी पड़े वो फाने ला कहा भाई हाँ फाने ला नहीं भाई वो जूरी तो हाथी भगवान ने कहा अपने काम बनाने के लिए सर्प ने चूहे से मित्रता करी और अपना काम बना करके चूहे को ही गोविंदाय नमो नमः अंदर गटक लिया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो देवता बोले बात तो सही है चलो मतवला के कहा तो फिर कहे कौन है मौसा बनावा सब तो वो सब ही जानते देवता गए राजा बलि के यहाँ पहुंचे सैनिकों ने कहा महाराज देवता आ रहे तुम आज्ञा दें तो उनको बंदी बना ले राजा बलि ने कहा पागल घर आया व्यक्ति अपना मेहमान होता है घर कोई भी आए शत्रु भी आए वो अपना मेहमान है लाओ उनको सही लाओ आदर से राजा बलि ने उनको बुलाया बैठाया और कहा हे बंधुओं आप कैसे आए इंद्र ने कहा हे दैतेंद्र अब आप स्वर्ग के राजा हैं कोई बात नहीं है हम तो भैया ही भैया तो हैं एक ही तो बाप के हैं बस मई अलग अलग है हम तुम्हारे यहां इसलिए आए के राजीनामा करेंगे के काम राजीनामा हाँ क्यों हम जी चाहते हैं वो रोज रोज के रखते झगड़ेते ऊ भी गए भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि मित्रता कर लो और समुद्र का मंत्र होगा समुद्र के मंत्र में लक्ष्मी निकलेंगी 14 रत्न निकलेंगे
वातावरण कम करो भैया धीरे धीरे। उसमें से अमृत निकलेगा, अमृत को पी करके अमर हो जाओगे, फिर कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ये ना तो देवता अकेले कर सकते हैं मंथन, ना दैत्य अकेले कर सकते हैं, दोनों मिलकर के ही मंथन होगा। इसलिए तुम जाओ राजीनामा करो। इंद्र ने कहा भैया हम रोज की लड़ाई थे युद्ध थे, अब ऊ गए मन भर गया, इसलिए हम शांति वृत्ति से रहना चाहते हैं। रायवाली ने कहा तो ठीक है, करना क्या होगा, कई समुद्र का मंथन करना होगा। अपन तो दोनों मिलकर के देवता और दैत्य समुद्र का मंथन करेंगे, फिर क्या होगा, उसमें से अमृत निकलेगा, अमृत निकलेगा और अमृत सब पी के ना ही फिर अमर रह जाएंगे, फिर लड़ाई को मतलब ही ना, फिर चाको कहूंगा मारवे करे को मरेगा ही ना, तो लड़ाई तो हो ही का। शुक्राचार्य ने कहा इंद्र हमें अमृत की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास तो मृत्युंजय मंत्र है, हमारे चीला मत जाते हम व्यंजन तो कर लेते। इंद्र ने कहा गुरुदेव तुम्हारे शिष्य मरे तो तुम जिंदे कर लेंगे, तो अगर वो तुम नहीं कछु है वो फिर तुमने जिंद को करे वो नहीं बोले We are.